हेलो गाइस, तो आज हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात करने वाले हैं। हम उनकी थिंकिंग पैटर्न को, थॉट प्रोसेसिंग को समझने की कोशिश करेंगे और उनके डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वो किस पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड को देखते थे, या फिर कैसे अपने हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप्स, हर एक एक्शंस को या फिर हर एक थॉट को मैनेज कर सकते थे। तो बेसिकली आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि उनके स्ट्रैटेजीज क्या थे, वो कैसे मतलब दुनिया के ग्रेटेस्ट पीपल ऑन द अर्थ में आए हैं। तो लेट मी टेल यू कि यार, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कुछ अफवाह भी है, नो कि वो अफवाह है या ट्रुथ है, बट उनके बारे में बहुत ज्यादा ऐसे फैला है कि यार वो निकोलस टेस्ला और अदर जितने भी साइंटिस्ट इन्वेंटर थे, टेक्नोलॉजिस्ट थे, उनके इन्वेंशन इनोवेशन वो चोरी करके खुद के नाम पे पेटेंट करते थे। आई डोंट बिलीव कि यार वो करते होंगे या ना होंगे, मैं उस पर कोई अपना पर्सपेक्टिव नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यार इतने सारे, आई थिंक हाँ 1007, आई डोंट नो एक्यूरेट नंबर, बट 1000 से ज़्यादा उनके नाम पे पेटेंट है। तो आई डोंट थिंक कि यार चोरी करके भी इतने पेटेंट कोई अपने नाम कर सकता है। तो इतनी मेहनत उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में की है, तो आई थिंक कि यार हमें उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो अपनी इतनी मतलब मेहनत कर पाए हैं। आजकल हम सोचते हैं कि यार जैसे इलॉन मस्क हो सकते हैं, जैसे जेफ बेजोस, आजकल हम सोचते हैं कि यार एक वीडियो उन्होंने अपलोड किया, आप जैसे एक बहुत ही फेमस एक टाइम मैनेजमेंट वाले कोर्स हैं, मुझे उनके नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, बट वो कोर्स है उनका और बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक ऐड पे उन्हीं का आता है। वो कहते हैं कि यार मैं एक वीडियो बनाता हूँ, फिर बुक भी मैंने पूरी कंप्लीट की है, ऐसे ऐसे करता हूँ, फिर भी देखिए मेरी टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे आप मानते हो ये छोटे छोटे चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट मानते हो, तो आई थिंक कि यार 1000 पेटेंट खुद के नाम पर करना, दिस इज़ द मोस्ट, एक कह सकते हो इनसे टाइम मैनेजमेंट का बड़ा गुरु आई डोंट थिंक कि यार कोई होगा, क्योंकि इतने पेटेंट खुद के नाम पे करना, कि इतने इनोवेशन में पार्टिसिपेट करना। आप ऐसे मानते होगे, सभी मानते हैं कि यार अगर सभी भी चीज़ें चोरी भी किए होगे, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट सभी चीज़ें अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने चोरी भी की हुई है, तो थोड़ा सा सोचिए कि यार वो चोरी करने में, यानी कि पार्टिसिपेट करने में उन चीज़ों को कितना माइंड लगता होगा, कितना हार्डवर्क लगता होगा। तो उतना हार्डवर्क उन्होंने कैसे पुट आउट करा, वो हमें उनसे सीखना है, और वो कैसे अपने लाइफ को लीड करते थे वो भी हमें सीखना है। मैंने निकोलस टेस्ला की मूवी देखी थी और उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब रूड बिहेवियर देखा थॉमस अल्वा एडिसन का। वो इसलिए दिखाया है कि निकोलस टेस्ला का जो ओपोनेंट थॉमस अल्वा एडिसन है वो दिखे, इसलिए दिखाया या किस लिए दिखाया आई डोंट नो, बट आई थिंक कि यार उनका जो रूड बिहेवियर है वो दिखाने के लिए ही मतलब पूरा का पूरा किया गया था। सो बेसिकली आई थिंक कि यार हाँ, इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें होती हैं, ये करने की ज़रूरी भी है कि यार थॉमस अल्वा एडिसन इतनी मतलब एटीट्यूड तो आना ही चाहिए यार बंदे में, अगर इतना, अगर कोई हार्डवर्क करता है। हाँ, हम्बल रहना चाहिए, बट हर एक बंदा तो वैसे नहीं रह सकता ना, तो करते होंगे यार थोड़ा सा, बट वो आई डोंट बिलीव कि यार उन्होंने कोई पेटेंट खुद के नाम पर दूसरों का कराया है। मैंने वो एसी डीसी करंट का भी देखा हुआ है, वो कैसे काम करता है, तो बेसिकली आई डोंट थिंक यार वो कैसे पास्ट में हुआ होगा, बट आई डोंट बिलीव। जो जैसे भगवद गीता में भी कहा है कि यार आप बंदे से गुण लेना चाहते हो तो उसके अच्छे गुण लीजिए, बुरे गुण उसी के पास रहने दीजिए, उसके अच्छे गुण लीजिए, उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि यार अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन से भी सीखिए, उनके जो अच्छे गुण हैं वो लीजिए, उनके जो चोरी करने वाले पेटेंट है, जो दूसरों का बलिदान देने के लिए, खुद के इन्वेंशन को प्रूव करने के लिए वो जो गलत चीज़ें उन्होंने की होगी या फिर किए आई डोंट नो, तो की है तो उनसे वो मत चीज़ें सीखिए, जो हमें सीखने की इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। और तो उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट आर कोटिफाइड जर्नी। आर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। बेसिकली कितने अच्छे से उन्हें इन्होंने मतलब कोट को एक डिफाइन किया, ये क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट वीकनेस हमारे जो होते हैं गिव अप करने में होते हैं। तो ये बिलीव करते हैं कि यार कभी आपको गिव अप नहीं करना है, हमेशा आपको परसिस्टेंस के साथ, अगर आपका गोल अच्छा है, अगर आपकी टाइमिंग, अगर आपका टाइम अच्छा है, तो एक कोशिश आपको परसिस्टेंट रिजल्ट दिलाएगी ही, तो आपको कंटिन्यूस वो एक्ट करना ही चाहिए। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसका जो एक कह सकते हो सीक्रेट फॉर्मूला यही है कि जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। इनका ऐसा मानना है कि जो मतलब बहुत बार ये वायरल हुआ है या फिर फेमस है कि यार थॉमस अल्वा एडिसन ने 10 बार फेल होके भी वो इन्वेंशन करके दिखाया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब बेसिकली ऐसे है कि, बट ये इनका जो इनका भी पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जिन्होंने वो 10,000 फेलियर सहे हैं उनका भी मतलब जो पर्सपेक्टिव है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि यार मैं कभी फेल ही नहीं हुआ था, मैंने तो सिर्फ 10,000 ऐसे रास्ते खोजे जो कि काम नहीं कर सकते हैं, और 10,000 एक वैसा रास्ता मिला जो काम करता है। तो बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही है, इन टर्म्स ऑफ कि यार कोई कहता है कि यार मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो उनके लिए ये कोट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड अप बाय द मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज रिस्ड इन ओवरऑल एंड लुक्स लाइक वर्क।
कितने अच्छे से इन्होंने कहा है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ तो सभी के पास होते हैं यार, जिसके पास एबिलिटी है उसके पास अपॉर्चुनिटी है, बट ये मानते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ड्रेस्ड अप होके आती है कि दूसरों को लगता है कि दिस इज़ द हार्ड वर्क, मतलब ये वर्क है, ये काम है, कि मैं इसे इसे एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता हूँ। तो उसी वजह से बहुत से लोग उसे मतलब ये समझ सकते हो कि यार उसके पीछे जाते नहीं है या फिर उसे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो इनका मानना है अगर आपको अपॉर्चुनिटी को वर्कआउट करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अगर आपका रखना है, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको समझ के लेना पड़ेगा। वो चाहे आपको हार्डवर्क लगे, स्टार्टिंग में आपको थ्रिल करना पड़े, स्टार्टिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े, परसिस्टेंट करना पड़ेगा, बट इफ़ दैट अपॉर्चुनिटी इज सो, मतलब अगर बहुत ही अपॉर्चुनिटी वो हाई लेवल की है, तो आपको कुछ ना कुछ हाई लेवल का रिजल्ट दे के जाएगी। देर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्डवर्क। इनका समझना है कि हाँ यार हार्डवर्क तो बहुत से लोग आजकल, मतलब ये थॉमस अल्वा एडिसन के ज़माने में ऐसा स्मार्ट वर्क वगैरह उतना नहीं था, जो हार्डवर्क को जो सब कुछ माना जाता था वर्क इक्वल्स टू हार्डवर्क, यानी कि ये भी स्मार्ट वर्क बहुत ही ज्यादा करते थे, बट आजकल के जैसा फोन ने बनाया कि यार हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है, तो ये मानते हैं कि यार हार्डवर्क बहुत ही ज्यादा उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। आजकल का मेरे जमाने में बताना चाहिए कि यार मुझे जरूरी है कि यार हार्डवर्क को इन्फ्लुएंस करो, यार हार्डवर्क करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप हार्डवर्क करते हो आपका हायर पोटेंशियल दिखता है, और जितने भी ग्रेट लीडर आपको बताते हैं कि यार हार्डवर्क मत करो, पेशेंस के साथ रहो, तो उन्होंने पहले हार्डवर्क किया है यार, वो चीजें वहां उस लेवल पे आए हैं। जैसे समझिए कि आज जेफ बेजोस का बहुत बार आपने इंटरव्यू सुना होगा, या फिर कौन सा शॉपिफाई का एक फाउंडर है, वो भी कहते हैं कि 4 ही घंटे में वर्क करता हूँ। तो ये जैसे फाउंडर कहते हैं कि यार मैं इतने कम घंटे वर्क करता हूँ, आराम से सोता हूँ, नहीं ये लेता हूँ, क्योंकि यार उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोडिंग करते बैठे दिन भर, नहीं ज़रूरी है उनके लिए, इनके उनके पास बहुत से वर्कर हैं अपनी कंपनी में कि वो कोडिंग कर सके, उनको सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि शॉपिफाई पे ये एप्लीकेशन जोड़ दूँ या नहीं, शॉपिफाई पे ये अपग्रेड करूँ या ना करूँ, सिर्फ वो डिसीजन लेना है। यार वो मानते हैं कि 4 घंटे में सिर्फ मैं 2 भी डिसीजन कंपनी के लिए हाई क्लास ले सकूँ तो मेरा पूरा का पूरा महीने भर का काम हो गया है, तो वो उस पर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनका काम है वहाँ पर आप डिसीजन लेना, कोडिंग करना, वर्कआउट करना, टीम मैनेज करना उनका काम नहीं है। उनके जो नीचे के मैनेजर्स है, डायरेक्टर्स है, एज कह सकते हो वर्कर है, टीम है, को टीम है, वो हैंडल कर लेगी यार, उनका सिर्फ काम है कि डिसीजन लेना, और वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे बिलीव करते हैं। अगर आप फर्स्ट डे से ही अगर उनकी स्टोरी सुनो तो वो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते थे। अगर आप ऐसा बिलीव करोगे कि यार फर्स्ट डे से ही आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, आराम से 4 घंटे ही काम करना है, देन यू आर मैड यार, आप सच्ची में मैड हो, आप बहुत ही गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गए हो, तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। देर इज़ अ वे टू डू इट बेटर फाइंड इट। इनका ऐसा मानना है कि हमेशा कोई भी चीज़ करो, आप किसी भी चीज़ को आप एस्टेब्लिश करो, ऑर्गेनाइज करो, किसी भी चीज़ को एक्शन में लाओ, देर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर टू डू दैट और वर्क ऑन इट। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर आप करो, अगर ये जैसे मोबाइल है, अगर पूरी की पूरी दुनिया कहते हैं कि यार दिस मोबाइल इज़ द बेस्ट, तो इसके ऊपर का मोबाइल निकलता ही नहीं, ऐसा ऐसे बेस्ट कैमरा वाला मोबाइल निकलता नहीं, ऐसे कुछ ऐसे मोबाइल निकलते ही नहीं यार, आप कभी मानना नहीं कि यार ये बेस्ट है, हमेशा हाँ बेटर है ऐसा मानो, बट उसके आगे भी कुछ ना कुछ निकल सकता है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन, ये समझना पड़ेगा यार। बहुत ही अच्छा कोट इन्होंने कहा है कि यार जीनियस जो होता है वो 1% इंस्पिरेशन होता है, और वो सभी को बताया कि यार जितने भी इंस्पिरेशन होता है जीनियस लोगों में, तो वो जीनियस कैपेबिलिटी अलग होती है। एक होता है कि यार हार्डवर्क या फिर जैसे भी ग्रेट पीपल हो जाते हैं वो चीज़ अलग होती है, और जीनियस अलग होता है। ये डिफाइन कर रहे हैं कि यार जीनियस क्या होता है, ये कहते हैं कि यार जीनियस जो लोग होते हैं दे आर 1% इंस्पिरेशन, वो 1% इंस्पिरेशन है, देन दे आर 99% परस्पिरेशन। परस्पिरेशन यानी कि हार्डवर्क भी कह सकते हो, एक थ्रिलिंग कह सकते हो, एक परसिस्टेंट रिजल्ट, एक फोकस के साथ एक वर्क करना, वो चीज़ें आप परस्पिरेशन कह सकते हो। तो इनका समझना है जो भी आप जीनियस देखते हो ही इज एन इंस्पिरेशन, हाँ फॉर ऑल वर्ल्ड ही इज एन इंस्पिरेशन, आई एग्री दैट, बट वो परस्पिरेशन भी है यार, वो उन्होंने वो हार्डवर्क भी किया है, उसी वजह से वो इंस्पिरेशन दूसरों के लिए है। मेनी ऑफ लाइफ फेलियर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे आर वेयर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। इनका समझना है जिंदगी में सबसे बड़ा अगर आप फेलियर मानो, या फिर पूरी दुनिया में जो लोग फेल होते हैं, जो मानते हैं कि हाँ यार मैं फेल हो गया, जो मन से टूट जाते हैं, जो फिर कोई इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते किसी वर्क को, किसी एक नया अकम्पलिशमेंट नहीं करने की कोशिश करते हैं, एक फेल होते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, और बहुत बार ऐसे फेल होते हैं, उनको एक मतलब ये सीक्रेट फार्मूला बता रहे हैं कि यार आप फेल क्यों हो रहे हो और मैं सक्सेसफुल क्यों होता हूँ। तो ये मानते हैं कि यार सक्सेस लाइज व्हेन दे डोंट गिव अप, तो आपको गिव अप नहीं करना यार। इनका ऐसा मानना है कि
जब लोग इस टाइम पे गिव अप करते हैं, जब वो बहुत ही थोड़ा क्लोज होते हैं अपने सक्सेस से, तो अगर वो थोड़े से दो तीन एक्शंस लेते तो वो सक्सेस उन्हें मिल जाती है। तो बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो उस एक्शंस को ले, और वही चीज़ वो नहीं लेते हैं। तो इनका ऐसा मानना है कि आपको समझ के लेना पड़ेगा कि वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो लेना पड़ेगा यार वो स्टेप्स। देर इज अ फार मोर अपॉर्चुनिटी देन देयर इज एबिलिटी। इनका ऐसा मानना है कि बहुत से लोग कहते हैं, मतलब मेरे एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, जितने ग्रेट लीडर है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे लिए क्या, हम क्या, ये क्या, ये क्या, पूरे बहुत बहुत रोते हैं। बट बेसिकली इनका ऐसा मानना है कि देर आर फार मोर अपॉर्चुनिटीज यार, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे, बट द लेस थिंग देयर इज एबिलिटी। आप में एबिलिटी कम है, जितनी एबिलिटी है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, बट आपके पास उतने से भी एबिलिटी नहीं है, तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे दिखेगी यार। जैसे होता क्या है कि जब भी आप, जैसे मैं भी मतलब ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, कि जितना आप ज़्यादा सीखते हो उतना ही ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होके अच्छा अच्छा आइडियाज़ लाता है। इससे लगता है कि यार आपको ये चीज़ क्यों सीखने चाहिए, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। बट जब आप वो चीज़ सीखते हो, जैसे अगर आप मैथमेटिशियन होना चाहते हो और साइंस में सीखते हो, तो आपको एक नया पर्स्पेक्टिव, एक नया ब्रॉड पर्स्पेक्टिव, एक आइडिया आपको मिलती है। सब लोगों को लग सकता है कि यार दिस इज़ नॉनसेंस, आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आपको समझ नहीं आता कि यार वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपकी लाइफ में उतनी ही वैल्यू आपकी ऐड कर सकती है। इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग, वी वुड लिटरली अस्टॉन्ड आवर सेल्फ। ये बेसिकली कितना अच्छा कोड उन्होंने कहा है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम सब कुछ ये कर सकें जितना हम कैपेबल हैं, यानी कि हमारी जितनी कैपेबिलिटीज है, जितने हमारा पोटेंशियल है, जितना हमारी एबिलिटीज है, हम ये पूरी की पूरी यूज कर पाए, तो हम अस्टॉन्ड हो जाएंगे, यानी कि हम हक्का बक्का हो जाएंगे। हम मतलब एक एक कह सकते हो एक सडन फीलिंग हाई में आएगी, हम एक जैसे होता है ना गिफ्ट देने के बाद, उस तरीके से फीलिंग हमें आ जाएगी कि यार ये क्या हो क्या रहा है, इतने पोटेंशियल मेरे में कहाँ से आया। ऐसे अपने को फील होगा जब आप एक अपनी जो कैपेबिलिटी है उसे पूरी तरीके से यूज़ कर पाओगे। आई डो नॉट बिलीव इन गॉड ऑफ द थियोलॉजियंस, बट दैट देर इज़ अ सुप्रीम इंटेलिजेंस आई डो नॉट डाउट। इनका ऐसा मानना है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं कर सक गॉड में बिलीव नहीं करता हूँ ऑफ थियोलॉजियंस। तो वो थियोलॉजियंस क्या होता है, थियोलॉजियंस यानी कि समवन हु स्टडीज नेचर, बिलीव सिस्टम, रिलीजन्स, गॉड, ऐसी चीज़ों को जो स्टडी करता है उसे थियोलॉजिस्ट कहते हैं। और इनका ऐसा मानना है कि आई डोंट बिलीव इन अ गॉड ऑफ थियोलॉजियंस, यानी कि वो जो चीज़ लोग होते हैं ना जो गॉड बनाते हैं खुद का एक पर्सपेक्टिव लाने के लिए, उन पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बट मैं एक सुप्रीम इंटेलिजेंस पे बिलीव करता हूँ। बट मैं मानता हूँ देर इज़ नो डाउट, मतलब ये कह रहे हैं कि देर इज़ नो डाउट कि दुनिया में सुप्रीम इंटेलिजेंस नहीं है। हाँ, वो बहुत ही अच्छे से है और वो प्रेजेंट करते हैं, बट वो गॉड का पर्सपेक्टिव कहाँ से ला रहे हो आप। एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है दुनिया में, मैं बिलीव करता हूँ, बट वो गॉड एंड थियोलॉजियंस पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। जस्ट बिकॉज समथिंग डजेंट डू व्हाट यू प्लान्ड इट टू डू डजेंट मीन इट्स यूजलेस। इनका ऐसा मानना है ये मैटर नहीं करता कि यार कोई चीज़ जैसे आपने प्लान की थी वैसे अगर नहीं हो रही है, तो ये मैटर नहीं करता कि यार वो चीज़ यूजलेस ही है। वो चीज़ आपको किसी अलग काम में यूज़ हो सकती है, वही चीज़ आपको किसी और प्रकार से यूज़ हो सकती है। तो इनका ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि यार दिस इज़ मतलब जैसा हम प्लान किए थे वैसा हुआ नहीं है, तो दैट इज़ नॉट यूजलेस। आपको कोई ना कोई वो बाय प्रोडक्ट से ही भी आपको यूजफुल थिंग्स मिल सकती है। एवरीथिंग कम्स टू हिम हु हसल्स व्हाइल ही वेट्स। इनका ऐसा मानना है ज़िंदगी में मतलब ये यही कोट लिटरली बहुत सक्सेसफुल लोगों ने, ग्रेट लोगों ने यही सिमिलर कोट कहा है। सभी लोग कहते हैं कि यार एक सक्सेसफुल अगर आपको बनना है, सक्सेस अगर आपको बनना है, हसल यानी कि हार्डवर्क के साथ वेट यानी कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। यानी हार्डवर्क एंड पेशेंस दो चीज़ अगर आप में होनी चाहिए ना, अगर होगी ना, तो यू विल बी द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। नॉट एवरीथिंग ऑफ वैल्यू इन लाइफ कम्स फ्रॉम बुक्स, एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। इनका समझना है दुनिया की, हाँ मैं भी बुक पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट है बुक, ये भी देखिए मैं भी पढ़ता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन भी पढ़ता है, एलन मस्क भी, जेफ बेजोस भी, वॉरेन बफेट भी, बर्नाल्ड भी, पुतिन भी, मोदी भी, और कौन कौन पढ़ता है, वह एलियन भी पढ़ते होंगे, आई डोंट नो। बट इनके समझना है कि सभी लोग बुक्स पढ़ते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट है सभी लोगों का बुक पढ़ना, उनसे लर्निंग लेना, उनके वैल्यूएबल लेसन सीखना। बट इनके समझना है कि हाँ यार दुनिया को भी आपको देखना चाहिए, पर्सपेक्टिव के साथ एक्सपीरियंस करना चाहिए, द वर्ल्ड को, इस दुनिया को खुद की आंखों से देखना चाहिए। कितने सोशल मीडिया में रहोगे, कितने मोबाइल्स में रहोगे, कितने बुक्स में ही पढ़ते रहोगे, खुद को एक एक एक्चुअल एक्शन करके देखो ना। कैसे पर्सनली आई एन्जॉय वर्किंग अबाउट 18 hours a डे, बिसाइड द शॉर्ट कैट कैम्स कैट नैप्स आई टेक ईच डे, आई एवरेज अबाउट 4 to 5 ईयर्स ऑफ स्लीप
पर नाइट। बेसिकली समझने की कोशिश करो कि ये जितने भी ग्रेट लीडर हैं इन्होंने नैप के बारे में बात किया है। कैट नैप्स यानी कि ऐसे नैप्स होते हैं जो कि 25 या 40 मिनट के गैप में लिए जाते हैं या फिर उसे एक्सटेंड या एक्सटेंड भी करा जा सकता है। तो एक रिसर्च हुई थी, आई डोंट नो कि यार कहाँ वो रिसर्च हुई थी, बट जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे उन्हें मून पर भेजा जा रहा था और उनकी पूरे के पूरे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस थे, जैसे कह सकते हो होता है ना, वो टायर्ड सा फील कर रहे थे। बट उन्हें सिर्फ एक आई थिंक 45 मिनट की स्लीप उन्हें उन नासा के एस्ट्रोनॉट्स को दी गई थी, एक नैप लिया गया था, उससे उनकी जो एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हुई थी सिर्फ 45 मिनट के एक नैप से, यानी कि एक रेस्ट से। तो आप सभी को सदगुरु पता होंगे, हाँ, तो सदगुरु के मैंने वीडियोज़ देखे और सिर्फ एक ही वीडियो देखा और मैंने उन्हें एक डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यार मतलब स्लीप, हाउ टू स्लीप लेस, उस पर मैं वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्लीप को डिफाइन किया कि यार स्लीप बॉडी को नहीं चाहिए, स्लीप की मांग बॉडी कभी नहीं करता है, बॉडी सिर्फ रेस्ट की मांग करता है। बट जब आप पूरी मतलब डे भर आप एक बॉडी को रेस्ट भर देते हो तो बॉडी आपके स्लीप की ज़रूरत मांगती ही नहीं है। जैसे सदगुरु कहते हैं कि यार मैं चार से भी कम घंटे सोता हूँ, उन्होंने लिटरली कहा था कि यार मैं 2.5 घंटे ही सोता हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार आप कैसे सोते हो। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, वो सदगुरु वाला वीडियो आप देखिए, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यार कैसे सोए और मतलब किस लेवल में आपको सोना चाहिए। इनका ऐसा मानना है कि थॉमस अल्वा एडिसन का मानना है, मैं 18 घंटे भी काम करता हूँ बट मैं कैट नैप्स लेता हूँ, यानी कि वो 1-1 घंटे के या फिर 25-25 या 40-40 मिनट्स के कैट नैप्स लेता हूँ टेक ईच डे। आई एवरेज स्लीप मतलब ये बात कर रहे हैं कि मैं एवरेज में सिर्फ 4 से 5 आवर्स सोता हूँ, उसमें जो काम बाकी चिपके होते हैं वो करता हूँ एंड 18 घंटे तो मेरे काम में ही जाते हैं। टू इन्वेंट यू नीड अ गुड इमेजिनेशन एंड अ पाइल ऑफ जंक। इनका ऐसा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको एक कह सकते हो कि एक इन्वेंट करनी है, इनोवेट करनी है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही अलग चीज़ लगती है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यार आर्ट करना, एक क्रिएटिव चीज़ लाना, एक इन्वेंट करना, एक इनोवेट करना, उस चीज़ के लिए एक सोल से ऊपर का नाता लगना पड़ता है। अब यही जैसे बेसिकली एक एग्जांपल के लिए से कि मैं पहले दिन अगर यही वीडियो बना रहा हूँ तो मैं पहले दिन इतनी फ्लुएंसी के साथ बात नहीं कर पाता हूँ, बट मैं वही वीडियो अगर 10 साल से बना रहा हूँ तो जब मैं 10 साल पे यही सेम वीडियो बात करूँगा तो मेरी फ्लुएंसी एक हाई लेवल पे होगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है, तब मेरे वर्क के साथ मेरी सोल कनेक्टेड हुई है, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इनका ऐसा मानना है कि टू इन्वेंट, आपको इन्वेंट करना है, इनोवेट करना है, क्रिएट करना है, एक आर्ट बनाना है, तो उसमें आपका इमेजिनेशन का और एक पाइल ऑफ जंक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेगेटिव रिजल्ट्स आर जस्ट व्हाट आई वॉन्ट, दे आर जस्ट एज वैल्यूएबल टू मी एज पॉजिटिव रिजल्ट्स। आई कैन नेवर फाइंड द थिंग्स दैट डज नॉट जॉब बेस्ट अंटिल आई फाउंड द वंस दैट डोंट। इनका समझना है कि जो नेगेटिव रिजल्ट हैं मैं उन्हें भी इतना ही वैल्यू देता हूँ जितना कि मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट हैं, क्योंकि वो भी उतने ही मतलब एक कह सकते हो उतने ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपनी लाइफ का एक ऑब्जर्वेशन बता रहे, एक एक्सपीरियंस बता रहे। ये कह रहे हैं कि मैंने जिंदगी में जितने भी एक्सपीरियंस किया है उससे ये निकला कि जब भी मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, जब मैं पहला एक कुछ गलत काम करके जाता हूँ, मतलब एक फेल होकर वो काम करने जाता हूँ, तो वो आने वाला काम जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं बहुत ही अच्छे से कर पाया हूँ। तो इनका समझना है कि नेगेटिव रिजल्ट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट और एज मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स। द 3 great essentials टू अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल आर हार्ड वर्क, ड्यू टू इटिवनेस एंड कॉमन सेंस। इनका समझना है कि जिंदगी में अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत ही अचीव करनी है, बहुत ही बड़ी, मतलब ये खुद का भी एक बता रहे हैं कि यार मैंने जिंदगी में कैसी चीज़ें बड़ी बड़ी अचीव की, तो ये 3 formulas बता रहे हैं, अगर आप इसे अप्लाई कर पाओ तो आप भी ग्रेट बन पाओगे यार। नंबर 1 हार्डवर्क, तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि यार हार्डवर्क आप करो। इनका ऐसा मानना है स्टिक टू इटिवनेस। इनका ऐसा मानना है इटिवनेस, आई डोंट नो इसकी मीनिंग क्या है, बट गट भी हो सकती है, ऐसे कुछ हो सकता है एक आइडिया के ऊपर, बट इनका ऐसा मानना है कि स्टिक करना और पेशेंस के साथ स्टिक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉरेन बफेट से पेशेंस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो। तो इनका ऐसा मानना है कि स्टिक करना, हार्डवर्क करना एंड एक कॉमन सेंस 3rd number। ये कॉमन सेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। व्हाट यू आर विल शो इन वॉट यू डू। इनका समझना है कि यार आप एक्शन जब लेते हो, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि जब भी आप एक्शन लेते हो बहुत ही सोच समझ के एक्शन लेना यार, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हिज कोट्स क्या मानते हैं कि यार जब भी आप कोई एक्शन शो करते हो दैट सेज कि यार आप कौन हो, मतलब कोई भी एक्शन अगर आप लेते हो उससे आप खुद को दर्शाते हो कि यार मैं कैसा हूँ। व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल पॉसिबिलिटीज रिमेंबर दिस यू हैव नॉट। कितने अच्छे से इन्होंने कहा है, ये क्या कह रहे हैं कि जब आपको लग रहा है कि यार आपने सभी पॉसिबिलिटीज़ को मतलब एग्जॉस्ट कर दिया है, सभी पॉसिबिलिटीज़ में आप जा चुके हो, आप दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ एक टाइम आता है कि यार सब कुछ मैंने करके देख लिया यार, कुछ भी चीज़ नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं। उस टाइम भी ये मान रहे हैं कि जब आपको लगता है कि आपने सभी पॉसिबिलिटीज़ को एग्जॉस्टेड कर लिया है, तब आपको समझ में आना पड़ेगा कि यू
रिमेंबर दिस यू हैव नॉट। तो इनका ऐसा मानना है उस टाइम पे आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि आपने नहीं किया है, और वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेवर डिड अ वर्क डेज वर्क इन माई लाइफ, इट वॉज ऑल फन। इनका ऐसा मानना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वर्क किया ही नहीं है, दैट वॉज ऑल फन। जब भी मैं 18 घंटे काम करता था, 12 घंटे, 16 घंटे, जितना भी मैं काम करता था, वो चाहे कभी कभी 48 घंटे ना सोते हुए वो पूरा काम करना, वो मेरे लिए ज़िंदगी में एक फ़न की तरह लगता था, क्योंकि मैं उसमें एक इन्वॉल्वमेंट के साथ, एक फोकस के साथ काम करता था, क्योंकि मेरे एक इंटरेस्ट था, मेरा एक डिज़ायर था, मेरा एक पैशन था उस चीज़ में, उसी वजह से मैं वो चीज़ कर पाया। टू हैव अ ग्रेट आइडिया, हैव अ लॉट ऑफ देम। इनका समझना है, अगर आपको एक ग्रेट आइडिया चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेट आइडिया अपने माइंड में कंटिन्यूस एक कह सकते हो एक रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि पहले दिन आपका वीडियो हिट नहीं होता है, पहले दिन आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, पहले दिन आपके पेंटिंग को करोड़ों में नहीं बेचा जाता है, पहले दिन आपकी मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग नहीं होती है, पहला दिन आपका सॉन्ग हिट नहीं होता है। तो इनका समझना है कि एक गुड ग्रेट आइडिया के लिए आपके आपको लिए आपके लिए कंटिन्यूस आइडियाज होनी चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट गुड फॉर्चून ऑफ्टन हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स विद प्रिपरेशन। इनका समझना है कि मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि यार गुड फॉर्चून यानी कि बहुत ही अच्छे दिन या फिर अच्छे चीज़ें तभी होते हैं जब एक एक अपॉर्चुनिटी जब आती है विद अ ग्रेट प्रिपरेशन। जब आप प्रिपेयर हो, जैसे लेट मी गिव इन बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे आप सभी को बताया कि यार शार्क टैंक अभी अभी हुआ, और उसके जो सबसे बेस्ट, आई थिंक सो, और आपको भी लगता होगा कि सबसे बेस्ट शार्क अगर कोई है तो वो है अनुपम मित्तल, राइट। तो इनका ऐसा मानना, मतलब इनके एग्जाम्पल के साथ मैं वो कनेक्ट कर देता हूँ, तो अगर अनुपम मित्तल पहले से ही इन्वेस्टर ना होते तो क्या वो अच्छे से इतने डील कर पाते? वो ही इज़ एन एंजल इन्वेस्टर सिंस 2008, तो वहाँ से लेकर वो प्रिपेयर्ड थे, उसी वजह से शार्क टैंक पे उन्हें उतनी वैल्यू मिली। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यार आप पहले से प्रिपेयर रहो, तो वो प्रिपेरेशन आपकी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को मीट करेगी और आपको बहुत ही अच्छे उसका फल मिलेगा। व्हेन आई हैव फाइनली डिसाइडेड दैट अ रिजल्ट इज वर्थ गेटिंग, आई गो अहेड ऑन इट एंड मेक ट्रायल आफ्टर ट्रायल अंटिल इट कम्स। इनके समझ ये इसमें इनकी थॉट प्रोसेसिंग समझ आ रही है डिटो। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि मैं प्लान करता हूँ, एक गोल लेता हूँ, जैसे गोल ले लिया, मतलब इनके स्टेप्स कट डाउन करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले टाइम में देखता हूँ कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, फिर दूसरे टाइम में उसे प्लान करता हूँ, उसे गोल लेता हूँ, क्या वो अच्छी है, क्या वो हो सकती है, क्या इज इट पॉसिबल, मतलब आजकल के टेक्नोलॉजी में क्या वो हो सकता है, क्या उससे टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्या वो इस तरीके से हो सकती है। तो मैं पहले प्लान बनाता हूँ, ऐसा इनका मानना है। फिर जब मैं, मतलब ये हो जाता है कि यार ये पॉसिबल है, तब मैं उसके पे कूद पड़ता हूँ, और मैं कितने भी ट्रायल हो, कितने भी एरर हो, जैसे 10,000 बार भी फेलियर आए, तो मैं उसे कंप्लीट करके दिखाता हूँ। आई फाउंड आउट वॉट द वर्ल्ड नीड्स, देन आई प्रोसीड टू इन्वेंट। माई मेन पर्पज इन लाइफ इज टू मेक मनी सो दैट आई कैन अफोर्ड टू गो ऑन क्रिएटिंग मोर इन्वेंशन। इनका ऐसा मानना है कि आई फाउंड आउट वॉट द वर्ल्ड नीड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद की थॉट प्रोसेसिंग बता रहे हैं कि मेन, चाहे आप मेन हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, आप बिजनेस माइंडेड हो, आप खुद के बारे में सोचो, बट एक बहुत ही आपको सोचने की बात है। मैं मान रहा हूँ कि यार ये वीडियो मेरे आजकल के सबसे ग्रेटेस्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा कोट मैंने यहाँ पे पढ़ाई है। क्या कह रहे हैं कि मैंने फाइंड आउट किया है कि दुनिया को क्या चाहिए, मैं सीरियस हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ, ये फाइंड आउट किया है इन्होंने कि दुनिया को क्या चाहिए, एंड ये कह रहे हैं कि देन आई प्रोसीड इन्वेंट, फिर मैं इन्वेंट करता हूँ, एंड मेन पर्पज इन लाइफ इज मेक मनी। मतलब ये खुद की एक सच्ची बात बता रहा है, ये मान रहे हैं कि मेरी जो मेन इन्वेंशन, मेन जो पर्पज है मेरे लाइफ का, टू मेक मनी, एंड माई मेन पर्पज इज टू मेक मनी फॉर गो ऑन क्रिएटिंग मोर इन्वेंशन। तो मान रहे कि मैंने नस पकड़ लिए, इस ह्यूमैनिटी के नस पकड़ लिए, वो है कि यार उन्हें कुछ ना कुछ नीड चाहिए, वो नीड आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और ये मान रहे हैं कि मैं उसे प्रोसीड करता हूँ उस इन्वेंशन को, और मुझे मनी चाहिए ताकि और इन्वेंशन में निकाल सकूँ। एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेंट, इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस। इनका ऐसा मानना है कोई भी चीज़ जो हम बेच नहीं सकते हैं वो हम इन्वेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इट्स सेल, मतलब ये बात कर रहे हैं कि इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो चीज़ यूटिलिटी है, जो यूटिलाइज हो सकती है, वो है सेल, यानी जो चीज़ें सेल हो सकती है वही यूटिलाइज हो सकते हैं, एंड यूटिलिटी इज ऑल अबाउट सक्सेस। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से वो डिफाइन किया है। आई नेवर डिड एनीथिंग बाय एक्सीडेंट, नॉट डिड एनी बाय ऑफ माई इन्वेंशन केम बाय एक्सीडेंट, दे केम बाय वर्क। इनका ऐसा मानना है कि नहीं यार, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई चीज़ एक्सीडेंटली नहीं की है, मैंने जो भी चीज़ें की है वो सोच समझ के, प्लानिंग वाइज, पूरी अपनी एक कह सकते हो एक कोशिश डाल के वो चीज़ें की है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको समझ आए कि यार आप कैसे चीज़ें कर रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ों में पूरा तरीके से हार्डवर्क आप अगर अपना झोंका है, तो वो चीज़ें अच्छे से कम आउट आएंगी ही आएंगे। तो इनका सब बेसिकली मानना है कि मैंने कोई चीज़ एक्सीडेंटली नहीं की है, वो प्लान्ड एंड वर्कड चीज़ें हैं जो कि मेरे इन्वेंशन है। नियरली एवरी मैन हु डेवलप्स एन आइडिया
आइडिया वर्क्स इट अप टू द पॉइंट वेर इट लुक्स इम्पॉसिबल एंड देन ही गेट डिस्करेज. दैट्स नॉट द प्लेस टू बिकम डिस्करेज. इनका समझना है कि इनसे किसी इंटरव्यूअर ने पूछा था कि आप डिस्करेज क्यों नहीं होते हो या फिर कैसे आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो. तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि यार एक मैन होता है वो हमेशा काम करने की कोशिश करता है, और जैसे एक कॉमन मैन भी होता है वो स्ट्रगल करता है, हार्डवर्क करता है, उसमें भी परसिस्टेंट होता है. अगर पैशन हो उस चीज़ में, इंटरेस्ट हो, तो वो भी परसिस्टेंस के साथ, फोकस के साथ वो चीज़ आगे बढ़ सकता है. बट जो एक पॉइंट आता है हर एक जर्नी में, एक पॉइंट आता है जब वो जो प्रोजेक्ट है वो उस बंदे को एक इम्पॉसिबल सा लगता है, एंड देन द बंदा मतलब जो पर्सन है वो डिस्करेज होता है. और उसी टाइम पे ये एडवाइस दे रहे हैं यार उस टाइम पे अगर आप डिस्करेज ना हो तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हो. तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार ये क्या कह रहे हैं, उस टाइम पे उस पॉइंट पे आपको मतलब डिस्करेज नहीं होना है. डिस्कंटेंट इज द फर्स्ट नेसेसरी टू ऑफ प्रोग्रेस. इनका ऐसा मानना है डिस्कंटेंट जो होता है वो प्रोग्रेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है. और क्यों होता है आप मुझे कमेंट करो. आर स्कूल्स आर नॉट टीचिंग स्टूडेंट टू थिंक. इट इज एस्टोनिशिंग हाउ मेनी यंग पीपल हैव डिफिकल्टी इन पुटिंग देयर ब्रेन्स डेफिनेटली एंड सिस्टमेटिकली टू वर्क. तो बेसिकली समझने की कोशिश करो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्कूल सिस्टम को बता रहे हैं कि आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा. और अगर स्कूल सिस्टम इस तरीके से वर्क कर पाती है तो हर टाइम पे थॉमस अल्वा एडिसन निकल आते हैं. तो इनका ऐसा मानना है कि यार तो हमारी जो स्कूल है उन्हें सिर्फ रट्टा मारने को कहते हैं, मेमोराइज करने को कहते हैं. आजकल तो कोई जो भी बंदा कहता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज कर सकता हूँ उसे ऐसे करना, अब गधा है तो ऐसे कहो. क्योंकि हाँ लिटरली यार सभी चीज़ें तो गूगल के पास है, तो आपको मेमोराइज क्यों करना है, अपने माइंड में क्यों भरना है. क्लियर बात है. तो बहुत ही चीज़ें मेमोराइज नहीं करना है. इनका ऐसा मानना है कि स्कूल सिस्टम को जो समझना पड़ चाहिए वो है कि यार अपने ब्रेन को डेवलप करें और थिंकिंग एबिलिटी को सिस्टमेटिकली हम कैसे फॉर्म करें, वो अगर ब्रेन को आप सिखा सकते हो तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट यार. 5% ऑफ पीपल थिंक, 10% ऑफ पीपल थिंक दे थिंक एंड अदर 80% वुड रादर दैट देन थिंक. कितने अच्छे से इन्होंने बात की है थिंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों हार्ड वे है ये बता रहे हैं कि बहुत ही 5% मतलब इन्होंने तो बहुत बता दिया कि यार 5% इतने भी नहीं होते, 0.0005% लोग ही थिंकिंग करते होंगे. बट ये कह रहे सो मान लेते हैं, इनका मानते नहीं है, क्वेश्चन करते हैं. तो इनका ऐसा मानना है कि 5% ऑफ पीपल है जो थिंक करते हैं, 5% लोग हैं जो थिंक करते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार मैं थिंक करता हूँ, मतलब सोचते हैं कि मैं थिंक करता हूँ, और 85% लोग ऐसे हैं जो कि मर जाएंगे बट कभी थिंक नहीं करेंगे. तो वो दुनिया के सबसे बड़े पागल इंसान है. द बेस्ट थिंकिंग हैज़ बिन डन इन सॉलिट्यूड, द वर्स्ट हैज़ बिन डन इन टर्मॉइल. अब सॉलिट्यूड और टर्मॉइल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सॉलिट्यूड इज समथिंग लाइक अलोन, बट अलोन एंड सॉलिट्यूड इज कम्प्लीटली अपोजिट. मतलब होता क्या है, अलोन यानी कि आपको लोग चाहिए बट आप अकेले हो, और सॉलिट्यूड तब होता है जब आप अकेले हो बट आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कंप्लीट हो. और टर्मोइल तब होता है जैसे भीड़ होती है ना मार्केट में, उस तरीके की भीड़ को टर्मोइल कहा जाता है. तो इनका ऐसा मानना है, इनका और निकोलस टेस्ला की थिंकिंग एक सिमिलर है. निकोलस टेस्ला भी कहते हैं कि यार जब आप सिंगर रहते हो, जब आप मैरिड भी नहीं करते हो, जब आप सिंगर रहते हो फोकस के साथ, तब आप बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशन कर सकते हो, थिंक कर सकते हो. और ये भी मानते हैं कि जब व्हेन यू आर इन सॉलिट्यूड यू कैन थिंक बेटर. और ये इन्होंने मतलब एक्सपीरियंस करके देखा है. नॉन वायलेंस लीड्स टू द हाईएस्ट एथिक्स विच इज द गोल ऑफ ऑल इवोल्यूशन. अंटिल वी स्टॉप हार्मिंग ऑल अदर लिविंग बींग्स वी आर स्टिल सेविज. यूर वर्थ कंसिस्ट इन वॉट यू आर एंड नॉट इन वॉट यू हैव. इनका ऐसा मानना है आपकी जो वर्थ है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो वैल्यू है, उसमें कंसिस्ट करती है कि आप कौन हो, ना कि आपके पास क्या है. तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि यार आप कौन हो, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे भी हिसाब से और इनके भी हिसाब से. फूल्स कॉल वाइज मैन फूल्स, अ वाइज मैन नेवर कॉल्स एनी मैन अ फूल. इनका ऐसा मानना है जो फूल होते हैं ना, जो गधे होते हैं, वो दूसरे वाइज लोगों को भी गधा कहते हैं. बट जो वाइज बंदा होता है ना असली का, वो किसी बंदे को फूल ही नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता है कि यार वो फूल नहीं है, उसके माइंड में के जो थॉट्स है वो फूल है. तो वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट को क्यों फूल करे यार, ये बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट ही है ना, जो उसी के मतलब हमारी बॉडी तो सिमिलर ही है, जो चीज़ डिफरेंट है दैट इज इन थॉट. तो थॉट को अगर फाइट नहीं कर सकता है तो अपना मुंह भी क्यों दुखाना है. तो इनका ऐसा मानना है कि वाइज मैन कभी दूसरों को फूल नहीं कर सकता है या फिर कह सकता है. द चीफ फंक्शन ऑफ द बॉडी इज टू कैरी द ब्रेन अराउंड. क्यों, कितने अच्छे से मैंने अभी बात की थी इंस्ट्रूमेंट की, और उसी पीरियड ऑफ टाइम पे इन्होंने भी बात की. ये क्या कह रहे हैं कि जो बॉडी का चीफ फंक्शन है, मतलब बॉडी एज अ इंस्ट्रूमेंट, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि ब्रेन को कैरी करना कि हम सोच सके, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई हैव फ्रेंड्स इन ओवरऑल्स हुज फ्रेंडशिप आई वुड नॉट स्वैप
फॉर द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इनका ऐसा मानना है कि मेरे पास कुछ फ्रेंड्स है जो ओवरऑल है, मतलब कोई बेस्ट हो सकता है, कोई उतना नहीं बेस्ट हो सकता है, बट एक एवरेज मेरा फ्रेंड सर्कल है. उस फ्रेंडशिप के लिए मैं एक किंग के एक नॉट स्वैप फॉर द किंग्स ऑफ द वर्ल्ड. इनका ऐसा मानना है पूरी दुनिया के राजा के लिए भी मैं अपनी फ्रेंडशिप को स्वैप नहीं करूँगा. और वो दिस शोज कि यार कितने ऑनेस्टी बंदे हैं, और कितने एक बंदे के लिए अगर डेट कमिट कर दे तो वो कितनी हद तक उसके लिए जा सकते हैं, ये इनके कोर्ट में समझ आ रहा है. अ जीनियस इज ऑफ्टन मेयरली अ टैलेंटेड पर्सन हु हैज डन ऑल ऑफ हिज और हर होमवर्क. इनका ऐसा मानना है जीनियस और कुछ नहीं है, जीनियस एक ऐसा टैलेंटेड बंदा है जिसने अपना होमवर्क पहले ही करके रखा है. दैट इज ऑल अबाउट जीनियस. तो आप उससे जीनियस मान रहे हो क्योंकि उसने किया हुआ है, और आपको लगता है कि यार वो पहले से करता आ रहा है और उससे सब कुछ मालूम है. नहीं यार, उसने भी किया है, उसी वजह से उसे आ रहा है. तो वो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट, आपको ये पर्सपेक्टिव आपको लेना पड़ेगा. द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द वर्ल्ड इज द माइंड ऑफ द चाइल्ड. कितने अच्छे से कहा यार, ये बहुत ही अलग थिंकिंग पैटर्न है इनकी. आई डोंट थिंक यार ये इन्वेंटर है, मुझे ऐसा लगता है कि यार थिंकर बहुत ही अच्छा है. मतलब ये क्या कहते हैं कि बेसिकली समझने की कोशिश करो कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है कि एक बच्चे का माइंड, क्योंकि वो हमेशा चीज़ों को क्वेश्चन करता है. जैसे संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो भी आप जानते होंगे, वो भी बात करते हैं कि यार क्वेश्चन करो बच्चों, एक बच्चा बनो. क्योंकि जब आप बच्चा बनते हो किसी भी चीज़ को आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो, और दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ कि यार आप चीज़ों को क्वेश्चन करो समझने की. आई एम नॉट डिस्करेज्ड बिकॉज एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट डिस्कार्डेड इज अनदर स्टेप फॉरवर्ड. इनका समझना है कि मैं डिस्करेज कभी नहीं होता हूँ. इन्होंने डिस्करेजमेंट की पहले भी परिभाषा दी है कि मैं डिस्करेज क्यों नहीं होता हूँ, ये दूसरी परिभाषा है. ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट डिस्करेज यार, मैं डिस्करेज नहीं होता हूँ. बिकॉज एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट, मतलब मैं कभी भी एक रॉन्ग अटेम्प्ट लेता हूँ, दैट इज द अनदर स्टेप फॉरवर्ड. यानी कि वो स्टेप फॉरवर्ड तो है ना, मतलब एक समझिए यहाँ पे मैं हूँ, समझ लिए यहाँ पे मैं हूँ, ये जहाँ जो डूब रही है यहाँ पे भी किनारा है, यहाँ पे भी किनारा है. तो यहाँ पे मैं मतलब थोड़ा सा खराब है, यहाँ पे थोड़ा सा खराब है, वो बोट कभी ना कभी डूबने वाले हैं. चाहे मैं यहाँ छलांग मार के यहाँ जाऊँ या फिर यहाँ छलांग मार के आगे जाऊँ, जाना तो मुझे यहाँ है ना. तो मैं अगर थोड़ा सा टाइम लग के भी यहाँ से जाऊँ, थोड़ा सा गलती करके भी मैं यहाँ से जाऊँ, तो मेरे पास एक एक एक्सपीरियंस ज़्यादा आ सकता है ना. तो मैं उस वजह से कभी डिस्करेज, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है बट समझ के लो थोड़ा सा. करेज इज एवरीथिंग, बी करेजस. आई हैव सीन मेनी डिप्रेशन इन बिजनेस. इनका समझना है करेज बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. करेज इज एवरीथिंग, ये मानते हैं कि यार बी करेजियस. आपको करेजियस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कि ये मानते हैं कि मैंने बहुत बार देखा है बिजनेस में कि लोग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, और वही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा खटकती है यार. डिप्रेस नहीं होना यार बिजनेस में, मैं भी हो जाऊँगा यार. कहने की बात है कि यार मैं आपको एडवाइस दूंगा और मैं भी हो जाऊँगा यार कभी ना कभी, बट आपको समझ में आना पड़ेगा. ग्रेट लीडर अगर कोई बोल रहा है और टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी यार. लाइफ के हिसाब से आपको वो एक्शन लेने पड़ेंगे. द सक्सेसफुल पर्सन मेक्स अ हैबिट्स ऑफ डूइंग वॉट द फेलिंग पर्सन डजेंट लाइक टू डू. इनका समझना है कि सक्सेसफुल पीपल, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो एक बहुत ही एक माइंड ब्लोइंग इन्होंने कोट कहा है ना, समझ लीजिए थोड़ा सा. ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास कुछ ऐसा हैबिट्स होते हैं जो जितने भी फेलियर लोग होते हैं वो कभी जिंदगी में वो एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं. अब जैसे बहुत ही अच्छे से बात, अगर मुझे 3 बजे अगर हमारे घर की समझिए कि 5 बजे लेट जाती है, ऐसे होता भी है हमारे गांव में, 5 बजे लाइट जाती है, आई थिंक हाँ 8 घंटे हमारे गांव में लाइट रहती है बेसिकली. तो अगर सोचिए थोड़ा सा कि 5 बजे मेरी लाइट जाने वाली है हमारे घर की, तो एक सक्सेसफुल लोग क्या पर्सन क्या समझेगा कि 2 तक स्लीप बहुत ही अच्छी होती है, 2 तक ही लेना ही चाहिए. कि मतलब 10 से 2 रूल पता है ना आपको, 10 से 2 तक का मतलब जितने भी ग्रेट लीडर है इसी के बीच में सोते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम स्पैन होता है स्लीप के लिए. उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड के और बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसमें. तो बेसिकली 3 बजे तक मैं सोऊंगा और उसके 5 बजे के बीच में वीडियो करूंगा. दिस इज अ सक्सेसफुल माइंड सेट. और एक फेलियर माइंड सेट क्या होगा कि वो सोचेगा कि यार 5 बजे जाने दो, अगले रात आएगी ना, दिन में कभी लेट आएगी तो मैं कर दूंगा. तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है तो ये होती है कि वो चीज़ों को कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं. टुमारो इज माई एग्जाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कान डिसाइड माई फ्यूचर. वाह, मतलब ताली बजाता हूँ यार लिटरली. समझने की कोशिश करो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि टुमारो इज माई एग्जाम. हाँ भाई, मेरी टुमारो एग्जाम है बट मैं केयर नहीं करता हूँ, क्योंकि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर मेरी जिंदगी बयां नहीं कर सकता है, मेरे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता है. और यही चीज़ हमारे पेरेंट्स को और एक हर एक बंदा जो सुसाइड करता है उसे समझने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यार. ये समझिए यार ब्रो, इतने ग्रेट बंदे इन्होंने पूरी जिंदगी में, आप ये तो मानते हो ना कि ये ग्रेट है, तो इतना ग्रेट बंदा अगर कह रहा है तो थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो और इन्हें फॉलो करो ना यार. थोड़ा सा आपका भी टाइम बचेगा और आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट
लिखने लगेगा. बींग बिजी डज नॉट ऑलवेज मीन रियल वर्क. द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल वर्क इज प्रोडक्शन एंड अकम्पलिशमेंट एंड टू आइदर ऑफ दीज एंड्स देर मस्ट बी फोर थॉट सिस्टम एंड प्लानिंग इंटेलिजेंस एंड हॉनेस्ट पर्पज एज वेल एज अ परस्पिरेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने ये चार लाइन का कोट कहा है, समझने की कोशिश करो ये क्या बनते हैं. बींग बिजी इज नॉट एवरीथिंग, मतलब बिजी होना ही काम नहीं होता है. रियल वर्क इज मोर डिफरेंट देन दैट. रियल वर्क वो होता है जब आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है, एक प्रोडक्शन एंड अकम्पलिश होता है, एंड आइदर दिस एंड्स देर मस्ट बी फोर थॉट्स. मतलब कोई प्रोडक्शन, कोई अकम्पलिशमेंट, कोई सिस्टम बनाया है आपने, कोई इंटेलिजेंटली प्लानिंग बनाई है, कोई हॉनेस्ट पर्पज, और वो पूरा का पूरा कंबाइन परस्पिरेशन के साथ हुआ है, तो दैट इज रियल वर्क. रियल वर्क इज नॉट मीन बाय वर्किंग सो हार्ड लाइक अ गधा. A time is really the only capital that any human being has and the thing that he can least afford to waste or lose. इनका ऐसा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ ह्यूमन बींग के पास है वो है टाइम. तो सबसे गलत जो चीज़ वो कर सकता है कि उसे वेस्ट करना, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे भी लगी है. यू कैंट रियलाइज यूर ड्रीम्स अनलेस यू हैव वन टू बिगिन विथ. इनका ऐसा मानना है कि आप अपनी ड्रीम को रियलाइज नहीं कर सकते हो, उसको एक कह सकते हो जैसे मेटावर्स आजकल आगे दिखता है ना, उस तरीके से आप ड्रीम को देख नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो टिल यू एक्ट ऑन इट. तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार वो ड्रीम आप देखो और उस पर एक्ट करने की कोशिश करो. नेवर गेट डिस्करेज इफ़ यू फेल, लर्न फ्रॉम इट, कीप ट्राइंग. इनका ऐसा मानना है अगर आप फेल हो चुके हो तो उससे डिस्करेज मत हो, उससे सीखो और आगे बढ़ो. सरप्राइजेस एंड रिवर्सेस कैन सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर ग्रेट अकम्पलिशमेंट. देर आर नो रूल्स हेयर, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अकम्पलिश समथिंग. इनका ऐसा मानना है सरप्राइजेस जो होते हैं और रिवर्सेज जो होते हैं इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एस्पेक्ट दिया है, मतलब इनकी लाइफ में वो सरप्राइजेस एंड वो जो चीज़ें हैं ना रिवर्सेस, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. क्यों थी? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कोई इन्वेंशन करते हो तो उसमें बहुत ही सरप्राइजेस आते हैं. कोई चीज़ यहाँ से निकल जाती है, यहाँ पर पहुँच जाती है, और रिवर्सेस आता है वही, मतलब स्टेप फॉलो करने के बाद वही रोड पर जैसे पटक देता है. तो इनका ऐसा मानना है वो जो इंसेंटिव होता है दैट इज ग्रेट फॉर अकम्पलिशमेंट, कोई ना कोई अकम्पलिश करने में वो चीज़ें ग्रेट है. देर इज नो रूल, यार ये मानते हैं कि देर इज नो रूल फॉर इन्वेंशन. आपको जस्ट कीप ट्राइंग अकम्पलिश समथिंग, आपको सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए और कुछ ना कुछ अकम्पलिश करने की कोशिश करनी चाहिए. द मैन हु डजंट मेक अप हिज माइंड टू कल्टिवेट द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग मिसेस द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ. ये भी बिलीव करते हैं, जितने भी फिलोसोफर होते हैं वो थिंकिंग में बिलीव करते हैं, और मैं भी करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. तो ये मानते हैं कि दुनिया का जितना जो बंदे हैं, अगर कोई बंदा भूल रहा है कि यार खुद के माइंड को मेकअप करना, अपने माइंड को मैनेज करना अगर नहीं सीख रहा है, अपने जो माइंड के एस्पेक्ट्स होते हैं उसे मतलब हटा के अगर माइंड को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो एंड एक कल्टिवेट एक हैबिट कल्टिवेट नहीं कर रहा है ऑफ व्हाट ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग के एक हैबिट कल्टिवेट नहीं कर रहा है, तो ही इज़ मिसिंग द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ. तो देन ही इज़ द मिसिंग द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ. तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आई हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द फेलो विद अ सिंगल आइडिया हु गेट्स देयर देन फॉर द फेलो विद अ थाउजेंड आइडियाज हु डज नथिंग. आई लव दिस कोट. ये क्या कह रहे हैं कि समझने की कोशिश करो, ये मान रहा है कि मेरे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ उस बंदे के लिए जिसके पास एक आइडिया और उस पर उसने काम किया है और आगे बढ़ चुका है, रादर देन कि एक बंदा है जिसके पास हज़ार आइडिया है और एक पे भी काम नहीं किया है. तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे एक बंदे को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए. और बहुत ही अच्छे इनके कोर्स है, और यार ख़त्म हो रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया यार ऐसी कोर्ट मैंने कब खत्म कर दिया. बहुत ही अच्छा लगा यार इनके कोर्स समझ के. वी शैल हैव नो बेटर कंडीशन इन द फ्यूचर इफ वी आर सेटिस्फाइड विद ऑल दोज विच वी हैव टू प्रेजेंट. इनका ऐसा मानना है कि हमारे फ्यूचर में कोई बेटर कंडीशन आ ही नहीं सकती टिल वी आर, मतलब अगर हम सेटिस्फाई हैं आज प्रेजेंट में सेटिस्फाई हैं, तो आप ही सोचो यार हम वर्क किस लिए करेंगे, एक्शन किस लिए लेंगे, फिर कुछ चीज़ें नए से अकम्पलिश किस लिए करेंगे, और कुछ नया कैसे बनेंगे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए कि यार नई चीज़ें हम अकम्पलिश करें और उसमें आगे बढ़े. तो इनका ऐसा मानना है कि हाँ आपको अगर फ्यूचर बेटर चाहिए तो आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा. व्हाट अ मैन्स माइंड कैन क्रिएट मैन्स कैरेक्टर शुड कंट्रोल. इनका ऐसा मानना है कि एक इंसान का माइंड जो क्रिएट कर सकता है वही एक इंसान का जो कैरेक्टर है वही चीज़ को कंट्रोल कर सकता है. यानी कि कंट्रोल माइंड, मतलब इस कंक्लूजन अगर मैं दूँ तो माइंड एंड कैरेक्टर बोथ जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. एक क्रिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक कंट्रोल करने के लिए. होता क्या है कि अगर आप कोई चीज़ क्रिएट करो, आप जैसे मशीन जो होते हैं आजकल, जैसे कह रहे हैं कि यार जो कंप्यूटर्स होते हैं आजकल के रोबोट्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, तो ये आता है माइंड. माइंड यूज़ करके हमें क्रिएट तो कर दिया, बट हमें अब कैरेक्टर लगेगा, यानी कि एक को कह सकते हो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगेगा कि हम उसे कंट्रोल कर पाए. और कितना अच्छा बात किया है यार इन्होंने, अलग लेवल की थिंकिंग है उनकी. मैं 10 बार ये वीडियो देखने वाला हूँ यार अब तो. बाय बाय यार, बोर नहीं हुआ मुझे यार, सच्ची बात कर रहा हूँ. पहला वीडियो मेरा ऐसा है जितने मेरे मतलब 11 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आज इस टाइम पे मैं सोता हूँ, फिर भी मुझे पावर आ रही है यार ये वीडियो बनाते हुए. तो बाय बाय, ज़्यादा पावर नहीं है, खाया तो है बट पावर नहीं यार, क्या करूँ.
तो बाय बाय, ज्यादा बकचोदी नहीं करूंगा, बंद होगा वीडियो, बाय बाय।